करते हैं, अब भाग रहे हैं, इलेक्शन में इनको वोट नहीं मिलेंगे बल्कि जूते पड़ेंगे। फयाज चौहान की बोल के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू, कहा बाबा करप्शन लाहौर में बैठे 50-50 करोड़ की बोलियां लगा रहे हैं, उम्मीद है आसिफ सरदारी को रुसवाई के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। 11 जनवरी की पेशी पर सूरतेहाल वाज़े होगी। अदालत में जब तक मामला है पंजाब असेंबली तहलील नहीं हो सकती। 9 जनवरी को एतमाद का वोट लेने का फैसला हतमी नहीं है। 2 दुनी 32 और 4 दुनी 36 का पाड़ा पड़ती थी कि इलेक्शन कराओ इलेक्शन कराओ इलेक्शन कराओ। अब जब इलेक्शन कराने की बारी आ रही है तो ये भाग रहे हैं, अब ये पकड़ाई नहीं दे रहे, अब ये पतली गली से निकल रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि लोग इनको वोट नहीं, इनको छितर देंगे। बाबाए करप्शन जरदारी साहब बैठे हुए लाहौर, खुली बोलियां लग रही हैं। मैंने तो आज से 15 दिन पहले बता दिया था 50 करोड़ का कम से कम रेट लगाया जा रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि उन्हें इसमें रुसवाई या घसाई और सियासी बेहयाई के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। 100% फाइनल नहीं है कि 9 तारीख के इजलास के अंदर कोई वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया जाएगा। 11 तारीख को जो हेयरिंग होगी उसमें चीजें क्लियर होगी कि उस पेशी में अगली पेशी पड़ती है, उसमें क्या चीजें डिस्कस होती हैं, उसमें अदालत क्या फैसला करती है। केस पे जब से ये केस चल रहा है उस वक्त तक जो है वो आप असेंबलियां नहीं तोड़ सकते, उस पर चौधरी परवेज लाई साहब ने अदालत को लिख के दे दिया। औसिन में सियासी गर्मा गर्मी के खात्मे के लिए वजीर आजम शेख